मैनास, वो मलिया अभी तक नहीं आई, अभी तक तो आ जाती है। आती होगी मियाँ, परेशान ना हो। अच्छा रुके, मैं उसे फोन करती हूँ, बताती हूँ कि अम्मी परेशान हो रही, पूछिए कहाँ हो तुम। हाँ लेकिन मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी तरफ से पूछ लो कि कहाँ रह गई और कितनी देर में आएगी। क्यों अम्मी, आपका नाम क्यों ना लूँ? मैनास, क्या टीचर्स की तरह सवाल जवाब कर रही हो? पूछना है तो पूछो वरना रहने दो। जरूर अम्मी किसी बात पर मलिया से नाराज है, वरना अम्मी कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती। अम्मी मुझसे क्यों छुपा रही है? अब सोचती रहोगी या फोन भी करोगी? हाँ कर रही हूँ, परेशान ना होना अम्मी। आपी आपी, मुझे बहुत भूख लगी, खाना लगा दें प्लीज। पता नहीं मलिया कब आएगी। अभी ठहर जाओ, आती होगी वो। फल्ला, पता नहीं किधर जाके बैठ गई, इधर भूख से मेरा हाल खराब हो रहा है। वो कहीं बैठी नहीं होगी, दो दो बसें चेंज कर कर आती है, इसलिए देर लग जाती है उसे बेचारी को। फायजा कहा है ना, आने दो उसे। अम्मी मलिया कौन सी कोई मेहमान है जो उसके बगैर हम खाना नहीं खा सकते? मेहमान की बात नहीं है, हमें रोज साथ बैठ के खाने की आदत है ना, इसलिए। हाँ तो रोज खाते तो है साथ खाना, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। मैं आप इसकी बदतमीजी देख रही है? बस ठीक है, मैं जाके खुद ही खा रही हूँ। जी थोड़ा सा सब्र नहीं हो सकता तुमसे? कह रही है ना वो कि रुक जाओ, वो बेचारी भी तो भूखी आएगी ना, सब बहनें साथ बैठ के खाएंगी खाना, तो खा लेना साथ बैठ के। अम्मी मलिया से नाराज भी और उसकी फिक्र भी, उनको ये होती है ना माँ।